प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूं मयूरी श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। गुजरात विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए आज सौराष्ट्र, कच्छ और राज्य के दक्षिणी हिस्सों के 19 जिलों में 89 सीटों पर मतदान हो रहा है। पहले फेज की वोटिंग के लिए 2553 पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं। इन पर सुबह 8 बजे से वोटिंग शुरू हो गई है, यह शाम 5 बजे तक चलेगी। आज 788 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद हो जाएगी। वहीं दूसरे फेज का प्रचार तेज हो गया है। गुरुवार को पीएम मोदी अहमदाबाद में बड़ा रोड शो करने वाले हैं। ये रोड शो 3 घंटे तक चलेगा और करीब 28 किलोमीटर लंबा होगा। पीएम मोदी ये रोड शो दोपहर 3:30 बजे से शाम 6:30 बजे तक करेंगे और अहमदाबाद के 5 विधानसभा क्षेत्रों से गुजरेंगे। बता दें कि सीएम योगी भी आज गुजरात दौरे पर हैं, जहां आज सीएम पाटन, बनासकांठा, अहमदाबाद सीएम योगी रैली करेंगे और जनसभा को भी सीएम योगी संबोधित करेंगे। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता गौरव हमसे जुड़ेंगे। गौरव, गुजरात में पहले चरण की वोटिंग चल रही है। गौरव, गुजरात में पहले चरण की वोटिंग चल रही है, क्या अपडेट है इसको लेकर? और निश्चित रूप से गुजरात में जिस तरह से लगातार बीजेपी सरकार रही है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर उत्साह का माहौल भी यहाँ पर चुनाव पर महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ पर भाजपा और सपा कांग्रेस के अलावा यहाँ पर दूसरी पार्टी है आम आदमी पार्टी, वो भी यहाँ पर अपनी कार ठोक नजर आ रही है। आम आदमी पार्टी कहना स्पष्ट रूप से कहना है कि दिल्ली पंजाब में करिश्मा दिखाने के बाद अब गुजरात में हम सरकार बनाने जा रहे हैं। अब गुजरात में जिस तरह से माहौल चल रहा है, पहले चरण की वोटिंग हो रही है, इसके अलावा लगातार हम देख रहे हैं कि वहां पर सभाएं हो रही है। सभाओं की बात करें तो आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गुजरात में हैं, तो वहां पर वो 4 सभाएं करेंगे, पाटन, बनासकांठा, वडोदरा और अहमदाबाद, 4 जगह उनकी सभाएं होंगी, जनसभा करेंगे। और सभाओं के माध्यम से ये भी देखा जाएगा कि आने वाले समय में योगी की जो स्थिति है वो कितनी बेहतर होने वाली है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ का एक रिकॉर्ड रहा है, जहां जहां सभा करने गए वहां के पक्ष में वहां पर वोट आए और निश्चित रूप से वहां पर भारतीय जनता पार्टी को लाभ भी हुआ है। तो यहाँ पर गुजरात में देखा जाएगा जहाँ सभा करेंगे उसका एक रिव्यू भी निकाला जाएगा कि यहाँ पर सभा करके योगी आदित्यनाथ आए वहाँ पर कितनी मदद मिली और कितनी विशाल अंतर से जीत हासिल की है। तो तमाम तरह की यहाँ पर मयूरी अभी वोटिंग भी हो रही है, सभाएं भी हो रही है। उत्तर प्रदेश की बात करें, उत्तर प्रदेश में भी लगातार सभाओं का दौर जारी है। यहाँ पर अखिलेश यादव रामपुर में सभा कर रहे हैं, अखिलेश यादव के जो सहयोगी दल है जयंत चौधरी रालोद से, वो आज खतौली सभा कर रहे हैं। तो सुबह चुनावी माहौल और वोटिंग भी है और सभाओं का दौर जारी है। गौरव, पहले चरण की वोटिंग चल रही है, तो अभी तक कितने प्रतिशत तो वोटिंग हो चुकी है और बूथों पर क्या कुछ तैयारियां की गई हैं? तैयारियां तो वहाँ बेहतर है और उसके लिए तमाम तरह की व्यवस्थाएं वहाँ पर की गई है। और अगर हम अब तक की वोटों की बात करें तो लगभग 27% के लगभग वोट वहाँ पर यानी वोट प्रतिशत हो चुका है, कहीं कहीं 18 भी हुआ है, कहीं 21 हुआ है। और अगर ओवरऑल देखें तो लगभग 27% की वहाँ पर अभी वोटिंग हो चुकी है और आने वाले समय में उसकी वोटिंग का जो समय अनुकाल है वो लगभग 5 बजे तक रहता है। तो निश्चित रूप से यहाँ पर वोटिंग होगी और निश्चित रूप से जिस तरह से हम देखते हैं मयूरी की वोटिंग का भी प्रतिशत होता है, बहुमूलन हम देखते हैं चुनाव होते हैं पर वो 56, 68 या 60% तक जाता है। और निश्चित रूप से ये कहीं ना कहीं सोचने वाली बात है कि वोटिंग क्यों कम होती है, तो निश्चित रूप से वोटिंग बढ़ाने को भी यहाँ प्रयास करना चाहिए और चुनाव आयोग को सरकारी महकमे को भी व्यवस्था करनी चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा वोटिंग हो। अगर 100% वोटिंग में अगर 60% वोटिंग हो रही है, 65% वोटिंग हो रही है, तो 35% वोटिंग है वो क्यों नहीं हो पा रही है, उसके कारण भी तलाशने हो गया मयूरी। गौरव, जिस तरह से पीएम मोदी और सीएम एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं, गुजरात में तमाम रैलियां कर रहे हैं, तो इससे बीजेपी को कितना फायदा मिलेगा गुजरात में? मैंने आपको बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी लगातार रैली कर रहे हैं और इसके अलावा अमित शाह भी लगातार रैली कर रहे हैं। इसके अलावा अगर बात करें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी लगातार गुजरात जा रहे हैं, वहाँ पर रैलियां कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं यहाँ प्रभाव तो पड़ने वाला है। क्योंकि योगी आदित्यनाथ की अगर हम बात करें तो जहाँ जहाँ उन्होंने रैली की थी वहाँ पर अच्छे परिणाम बीजेपी के पक्ष में आए थे, तो यहाँ पर अगर बीजेपी के पक्ष में परिणाम आते हैं और बड़े अंतर से यहाँ जीत दर्ज करती है तो निश्चित रूप से बीजेपी के लिए फायदेमंद ही होगा। और वहीं पर दूसरी तरफ अगर कांग्रेस की बात करें तो राहुल गांधी के अगर बताएं तो भारत जोड़ो यात्रा को बीच में स्थगित करके दो ही उन्होंने रैली की थी, एक सूरत में की थी, एक राजकोट में की थी, तो दो ही रैली अब तक कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी की, बाकी वहाँ रैलियों का दौर जारी है। आम आदमी पार्टी की तरफ से लगातार रैलियां
हो रही है, रोड शो हो रहा है, अरविंद केजरीवाल लगातार वहाँ सक्रिय है। फिलहाल आने वाले समय बताएगा गुजरात में किसकी सरकार बनती है, पर इस समय चुनावी माहौल, वोटिंग और रेलवे का दौर जारी है। मयूरी गौरव, जो गुजरात के मतदाता है वो क्या देखते हुए वोट कर रहे हैं? क्या वो पार्टी का नाम देख रहे हैं या प्रत्याशी का नाम देख रहे हैं या गुजरात में कोई मुद्दा है उसको देखते हुए वोट दे रहे हैं? देखिए मेरे मुद्दे के अलग है, तमाम तरह की यहाँ पर जो हमारे देश की राजनीति है वो सरगर्मी इसकी बनी रहती है। गुजरात में जहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी 13 साल वहाँ राज किया था, मुख्यमंत्री रहे थे, और अगर गुजरात की बात करें तो लगभग लगभग 27 साल से बीजेपी वहाँ पर है, तो वहाँ पर बीजेपी को हराना इतना आसान नहीं है। और जिस तरह अब एक कांग्रेस आम आदमी पार्टी लगी हुई है, पर यहाँ मुद्दों की बात करें तो मुद्दे तो जो मुद्दे इस समय देश में चल रहे हैं वही मुद्दे इस समय ज्वलंत है, बेरोजगारी का मुद्दा है और इसके अलावा महंगाई का मुद्दा है, मुद्दे यहाँ पर रहेंगे। पर इसके अलावा जो स्थानीय मुद्दे हैं उन पर भी चुनाव होता है। गुजरात में निश्चित रूप से अर्थव्यवस्था को लेकर यहाँ पर काफी कुछ बेहतर होने वाला है और लगातार बीजेपी सरकार वहाँ पर रही है। अगर औद्योगिक केंद्र की बात करें तो तमाम बड़े उद्योगपति गुजरात से आते हैं और वहाँ पर जो निवेशकों की बात करें तो गुजरात में माहौल ठीक है। आने वाले समय में गुजरात में किस तरह की और तमाम तब्दीलियां होंगी, अगर सरकार बदलती है किसकी आती है, ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न होगा। और मुद्दे अगर बात करें तो जो देश के मुद्दे वही मुद्दे समय गुजरात में है, स्थानीय मुद्दों को छोड़कर। जी धन्यवाद गौरव तमाम जानकारियों के लिए। यूपी नगर निकाय चुनाव में आरक्षण सूची तैयार कर ली गई है। नगर विकास विभाग ने आरक्षण सूची को अंतिम रूप दिया है। जल्द ही आरक्षण की प्रस्तावित सूची मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के समक्ष पेश की जाएगी। मुख्यमंत्री ने हरी झंडी मिलते ही सूची को जारी कर दिया जाएगा। सभी जिलों से मिले निकायों के रैपिड सर्वे की रिपोर्ट के आधार पर वार्डों के साथ नगर विकास मेयर यानी महापौर और नगर पालिका अध्यक्ष और नगर पंचायत अध्यक्ष की सीटों के आरक्षण का प्रस्ताव तैयार कर लिया गया है। माना जा रहा है कि शासन स्तर पर सूची का पुनर्निरीक्षण किया जा रहा है। सभी जिलों से मिले नगर निकायों के रैपिड सर्वे के आधार पर आरक्षण का यह मसौदा तैयार किया गया है। बता दें कि निकाय चुनाव को 2 चरणों में कराने की तैयारी है, जिसको लेकर 5 दिसंबर को आरक्षण सूची जारी हो सकती है। अब तक के लिए इतना ही, आगे आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।